2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कुशासन और इस गूंगी बहरी सरकार के अंत के लिए भाजपा ने निर्णायक जंग शुरू की। नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया और उनके नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटों पर विजय पताका फहराई। भारत के लॉस्ट डेकेड से त्रस्त जनता ने परिवर्तन के लिए भाजपा के विजन को चुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त नीति और सुशासन से नए भारत को गढ़ना शुरू किया और 10 साल में ही फर्क साफ है। 14 का भारत सुपरफास्ट ट्रेनें सिर्फ फिल्मों में देखता था, लेकिन 24 का भारत अयोध्या, कटरा, अहमदाबाद, पटना, चेन्नई, अमृतसर जैसे छोटे बड़े 82 शहरों में हाई स्पीड ट्रेनें चलते देख रहा है। 14 का भारत सिर्फ दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में मेट्रो देखता था, लेकिन 24 का भारत भोपाल, सूरत, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा और पुणे जैसे छोटे बड़े 20 शहरों में भी मेट्रो का जाल बिछते देख रहा है। 14 का भारत प्रतिदिन सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते देखता था, लेकिन 24 का भारत प्रतिदिन 28.3 किलोमीटर हाईवे बनते देख रहा है। 14 के भारत को आदत थी लटकते भटकते अटकते प्रोजेक्ट्स देखने की, पर 24 के भारत को आदत है स्पीड और स्केल की। 14 का भारत दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर खुश होता था, पर 24 का भारत सीना चौड़ा करके दिखाता है अपना सबसे ऊंचा स्टैचू, सबसे लंबा सी ब्रिज, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज और सबसे ऊंची टनल। 14 का भारत लंबी लाइनों से परेशान था, लेकिन 24 का भारत अब लगभग सारे काम ऑनलाइन निपटाता है। 14 का भारत कैश भूल जाता था या खर्च कर देता था या खो देता था, पर 24 का भारत व्यापार भी कैशलेस करता है। 14 का भारत घोटालों के रिकॉर्ड बनते देखता था, पर 24 का भारत सिस्टम का लीकेज डीबीटी से बंद कर रहा है। 14 के भारत ने स्टार्टअप शब्द हार्डली सुना था, लेकिन 24 का भारत छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप्स की भरमार देख रहा है। 14 के भारत के पास थे सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स, लेकिन 24 के भारत के पास 149 एयरपोर्ट्स हैं, वो भी हर छोटे बड़े शहरों में। 14 के भारत में करोड़ों घरों में होता था धुआं और अंधेरा, लेकिन 24 का भारत स्वच्छ रसोई में खाना बनाता है, दिन रात झिलमिलाता है। 14 का भारत पानी और शौचालय के लिए अक्सर पढ़ाई छोड़ देता था, पर 24 का भारत हर घर जल, हर घर शौचालय की गारंटी देता है। 14 के भारत के पास सिर्फ 10.3 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता था, पर 24 के भारत में देश के 51.6 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता है। 14 का भारत कर्जा लेकर इलाज कराता था, लेकिन 24 का भारत जेब में इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड लेकर घूमता है। 14 के भारत में बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी परिवार की अर्थव्यवस्था हिला देती थी, पर 24 का भारत जेनरिक दवाइयां 70% कम दाम पे पाता है। 14 का भारत सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे सुनता था, पर 24 का भारत 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुका है। 14 के भारत में जहां अनुसूचित वर्ग हाशिए पर था, पर 24 का भारत अनुसूचित जातियों के 2 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देता है। 14 का भारत जनजातीय नायकों को भुला चुका था, पर 24 का भारत आदि जातियों के गुमनाम नायकों का शौर्य गान कर रहा है। 14 का भारत पिछड़ी जाति को बस वोट बैंक समझता था,
लेकिन 24 का भारत विश्वकर्माओं को 13,000 करोड़ के पैकेज से बढ़ावा दे रहा है। 14 के भारत के पास थे 387 मेडिकल कॉलेज, आज के भारत के पास हैं 706। 14 के भारत के पास थे 13 IIM, आज के भारत के पास हैं 20। 14 के भारत के पास थे 7 AIIMS, आज के भारत के पास हैं 22। और हाँ, 14 के कश्मीर में बार बार होता था पत्थरों से वार, 24 के कश्मीर में बस अवसर, टूरिज्म और प्यार। 14 का भारत रामलला के दर्शन करता था टेंट में, 24 का भारत भव्य राम मंदिर में। 14 के भारत में आपको कितनी कम महिला उद्यमी दिखती थी, 24 का भारत मुद्रा लोन, स्टैंडअप, स्टार्टअप लोन्स का अधिकतर हिस्सा महिला उद्यमियों को प्रदान करता है। 14 का भारत कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ही देता था, पर 24 का भारत 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव का भरोसा देता है। 14 का भारत महिला आरक्षण को अटकाए बैठा था, 24 का भारत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देता है। 14 का भारत इंपोर्टेड का गुणगान करता था, 24 का भारत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का दम दिखाता है। 14 के भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे कमजोर 5 में से एक थी, आज टॉप 5 में से एक है और अब तीसरे नंबर पर आने की तैयारी में है। 14 के और 24 के भारत में सिर्फ सरकार का अंतर नहीं है, अंतर है नीति का, नियत का और नेतृत्व का। 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही, हैंग हो गए वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था, बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। रिकॉर्ड निवेश, रिकॉर्ड निर्यात, रिकॉर्ड टूरिस्ट, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, रिकॉर्ड हाउसिंग, रिकॉर्ड फैसले, 24 का भारत है अवसरों का, पाई पाई से गरीब की भलाई का, सबके साथ सबके विकास का, मोदी की गारंटी पर देश के विश्वास का। हर गारंटी साकार, मोदी सरकार फिर इस बार।